हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें बीते हुए दिन और रात के हर एक पल, घड़ी, वक्त, समय हमें संभाला, हमारे परिवारों को संभाला, एक एक मसीह भाई बहन को, उनकी पूरी फैमिली को संभाला और अपने ठहराए हुए पवित्र दिन में लेकर आया। पवित्र दिन में हमारे आँखों को खोला, जगाया। हमारे प्रियो, आज का दिन प्रभु का ठहराया हुआ पवित्र दिन है, इसमें हम आनंदित और मगन हो और इस दिन के कुछ पल, घड़ी, वक्त, समय उसके हजूरी में बिताएं। आइए हम मिलकर उसके उपस्थिति में चलें, उसके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए और उसके वचन को पढ़कर उससे प्रेयर करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रभु के ठहरे हुए पवित्र दिन में प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, उसका आदर और सम्मान करेंगे, उसके वचनों पर मनन करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके गीत गाएंगे, आराधना प्रार्थना करेंगे, उसके घर में आएंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो जैसे प्रभु बीते हुए हफ्तों में आपको संभाला और आपका ख्याल रखा, मैं आपको बता दूं कि उससे भी बेहतर इस हफ्ते में आपको संभालेगा और आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बीते हुए हफ्तों में नहीं हुआ वो इस हफ्ते में होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले भजन संहिता की पुस्तक 65 अध्याय के उसका 5 पद के वचन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपने आंखों को बंद करेंगे और जो स्वर्ग का खुदा है उससे प्रेयर करेंगे। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सभ्य, दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु जरूर आपके मुंह मांगा वरदान देगा, जरूर आप जो चाहेंगे प्रभु करेगा, आप जिस मार्ग में जाना चाहेंगे उस मार्ग में आपका अगुवाई करेगा, आपका गाइड करेगा, उसमें बने रहिए, उससे निपटे रहिए, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। सच में जब आप उसमें बने रहेंगे तो बहुत सारा फल लाएंगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे तो प्रभु के अनुग्रह और महिमा को पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे निपटे रहेंगे, चाहे परिस्थिति और हालात जो भी हो, जैसा भी हो, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी विपत्तियां, समस्या, दिक्कत, परेशानी, महामारी, अकाल, दुख, दर्द, पीड़ा आपको निराश नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ, सच में जब आप आज की प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आज रविवार की प्रार्थना और वचन को रिसीव करेंगे तो क्या होगा? हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके सारे बंद मार्ग, द्वार, दरवाजा खुल जाएगा, उलझन सुलझ जाएगा, समस्या का हल निकलेगा, दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगा, रोगों की दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर भाग जाएगा, गरीबी घटी दूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना विषय जो भी है प्रभु के सम्मुख रखिए, आपका प्रार्थना निवेदन जो भी है प्रभु के हजूरी में रखिए, आप जो कुछ भी अपने लिए या दूसरों के लिए प्रभु की ओर से पाना चाहते हैं आज की प्रार्थना में प्रभु से कहिए। हालेलुया, प्रभु क्या करेगा, आपके मांगने से बढ़कर आपको देगा, आप जो पाना चाहते हैं सच में प्रभु की ओर से आप पे
पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु महान है, दयालु है, कृपयालु है, अति करुणा में अति सामर्थ्य सर्वशक्तिमान खुदा है। वो सब कुछ करने का और बदलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आओ हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, बड़ाई करें। यह सुनहरा अवसर पावन बेरा प्रभु हमें इसीलिए दिया है कि हम उससे बातें करें, उसके हजूरी में, उसकी उपस्थिति में, संगति में, उसके पावन पवित्र चरणों के निकट कुछ पल बीता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना में बिताया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जितना देर तक प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में समय को बिताएंगे, प्रभु के वचनों पर मनन करने में समय को बिताएंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बता दूं कि उससे भी बढ़कर आप पे क्या पाएंगे, प्रभु की अनुग्रह और महिमा पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो प्रभु। प्रभु आप अनुग्रह कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए प्रभु, आपकी ठहराए हुए इस पवित्र दिन में आपके पवन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए हैं प्रभु जी, आपके सन्नति में, उपस्थिति में, आपके हजूरी में हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आए हैं प्रभु। और आपका धन्यवाद करते हुए, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ बढ़ाई और आदर सम्मान करते हुए आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं कि जैसे आप बीते हुए हफ्तों में संभाले, वैसे इस हफ्ते में भी संभालिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए इस हफ्ते के पूरे दिन प्रभु संभालिए स्वर्गीय पिता प्रभु, हर एक पल घड़ी वक्त समय हमारा ख्याल रखिए लॉर्ड जीसस। हाँ, होने दे महान पिता परमेश्वर, आज रविवार की प्रार्थना को जितने रिसीव कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, वो सब प्रभु आशीषित होने पाए, उन सबों को आप ब्लेस कीजिए, बरकत से भर दीजिए, बढ़ोतरी से भर दीजिए, उनके जीवन में सफलता दीजिए, सुख शांति आनंद दीजिए, खुशियाँ दीजिए, नई उमंग हर्ष दीजिए, उनके ओठों पर हंसी लाइए, उनके जीवन की निराशा को आशा में बदल दीजिए, उनके शोक विलाप को नृत्य में बदल दीजिए, दुख दर्द पीड़ा को सुख में बदल दीजिए लॉर्ड जीसस। उनके बॉडी के एक एक अंगों को सुखी से रखिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, तारीफ करते, बढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बढ़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो बीते हुए हफ्तों में नहीं हुआ वो इस हफ्ते में प्रभु जी होने के लिए प्रभु आपसे प्रेयर करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, बीते हुए हफ्ता से भी बेहतर इस हफ्ता में हमें तू ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु जी, हमें बरकत से, बढ़ोतरी से भर, हमारे जीवन में सफलता दे, सुख शांति दे प्रभु, नई हर्ष उमंग दे, हमारे अंदर नई नई हौसला को उत्पन्न कर, हमारे लिए नए नए मार्गों को खोल और उस मार्ग में हमें स्थिर कर, सफलता दे लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते हैं। प्राकर्मी खुदा, सामर्थ्य सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद करते हैं, सलाहकार परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सरोन का गुलाब आपका धन्यवाद करते हैं, मेरा अब्बा, मेरा फादर, मेरा शरण स्थान धन्यवाद करते हैं, मेरे मन के स्वामी, हृदय के राजा, जीवन के मालिक प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह का धन्यवाद करते, उद्धार करता परमेश्वर, चट्टान ढाल की लगड़, मेरा शरण स्थान धन्यवाद देते। प्रभु अनुग्रह कर, आपकी स्तुति करते प्रकार में खुदा, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, राजा दाऊद के परमेश्वर, सुलेमान के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, आयुब के परमेश्वर, मूसा, अब्राहम, दानियल, एलिया, एलिशा के परमेश्वर, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। प्रभु अनुग्रह कर, सारे बंद मार्ग और द्वार को प्रभु जी दरवाजों को खोल दे प्रभु, जो आशीष का द्वार, सफलता, बढ़ोतरी, बरकत का द्वार प्रभु बंद पड़ा है, प्रभु से द्वार को तू खोल दे प्रभु, शैतान के बंधन जड़िया को
और जंजीरों को प्रभु जी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते तोड़ दे, खुदा जी लगा देते हैं हर एक बिड़िया जंजीरें प्रभु टूटने के लिए, प्रभु हर एक बंधन टूटने के लिए प्रभु आपसे प्रेयर करते, सहित हम मदद कर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर सर का धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, ये भाई ये बहन ये बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी अपने लिए या दूसरों के लिए आपसे चाहते हैं प्रभु, इनके चाहत को पूरा कर दे, इनकी इच्छा लाश मनोकामना सपना को पूरा कर दे, खुदा धन्यवाद देते होने दे प्रभु जी। इन लोगों का प्रार्थना विषय जो भी है प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं, आपके हजूरी में हम रखते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह कर सबों की प्रार्थना विषय का निवेदन का उत्तर तू हाँ आमीन में दे, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। धन्यवाद करते प्रभु सबों के जीवन में कार्य कीजिए, धन्यवाद करते रुके हुए कामों को कार्यों को आगे कर बढ़ाइए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु अनुग्रह का प्रभु जो बीमार है उनको छू कर चला दे, जो दुख दर्द पीड़ा में है स्वर्गीय पिता तो उनके दुख दर्द पीड़ा को दूर करते प्रभु, आशीषों से भरते, बरकत से प्रभु जी भरते, धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते तारीफ करते हैं कि तू हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्रार्थना बिनती आपके उद्धार करता नामों में मांग कर कहते खुदावन यीशु नासरी, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन।